हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो हो गया है ऑन वन बोला 10th 20 10th है, ठीक है ठीक। एक मिनट सर, तो यहाँ पे आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, इसको हाईलाइट करना है। देखिए नॉर्मली जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो फॉर्मेटिंग क्या होता है कि इस पर क्लिक किया और कलर हो, ठीक है। अगर इसमें क्या टाइप है, क्यों टाइप है, कि कब क्या हो तो क्या दिखे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट, समझे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम कंडीशन फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कलर विथ कंडीशन, कि हम जो जो भी कलर करेंगे किसी न किसी कंडीशन के बिहाफ पे करेंगे। तो जैसे कि क्वांटिटी को हमने सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और यहाँ पे कई सारे कैटेगरीज है, इसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स है, हाईलाइट सेल्स रूल्स में कई सारे सेक्शन है, इसमें ग्रेटर देन है, हमने ग्रेटर देन पे क्लिक किया तो आपके सामने डेटा दिख रहा है। तो यहाँ अगर मैंने मान लीजिए 19 लिखा तो, या फिर 19 20 से ऊपर लिखा तो 20 से ऊपर वाला जो भी है हाईलाइट हो जाएगा, 15 लिखा 15 से ऊपर वाला हाईलाइट हो जाएगा एक डिफॉल्ट कलर से। बट मुझे यहाँ पे खुद के कलर चाहिए, तो यहाँ पे जैसे कि येल्लो फिल है तो येल्लो कर दीजिए तो येल्लो आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन आ जाएगा, यहाँ पर राइट लेड है तो राइट लेड आ जाएगा। तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कलर फॉर्मेटिंग हो। इसके अलावा आप यहाँ फॉर्मेट सेल पे जाएंगे जहां पे आपको नंबर फॉन्ट बॉर्डर ऑफ फिल की फॉर्मेटिंग मिलेगी, उसको सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए एंड ओके कर दीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ लगेगा ही नहीं, मेंटेन भी रखेगा कि कल के डेट में अगर वन जो है 15 हो गया तो, सॉरी वन जो है अगर मान लीजिए 16 हो गया तो हाईलाइट हो जाएगा, और 19 कल के डेट में 9 हो गया तो कलर हट जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या इसमें एक बार चले चेक करते हैं। सबसे पहले ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा को हाईलाइट कर दीजिए, और बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू को हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। इसमें आप डेट भी डाल सकते हैं, जैसे मुझे चाहिए कि आज के डेट के बाद हाईलाइट कर दे, ग्रेटर देन यहाँ पे आज का डेट मान लीजिए 23- मैंने यहाँ पे डाल दिया जुलाई, देखिए हाईलाइट हो गया जुलाई से ऊपर वाला, ऐसे बिलो करेंगे। तो यहाँ ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन में आप नंबर डेट एंड टाइम दे सकते हैं, नंबर डेट एंड टाइम क्या दे सकते हैं, नंबर डेट एंड टाइम इक्वल टू में हम डालेंगे एग्जैक्ट सेल्स वैल्यू, जैसे कि आज की डेट हाईलाइट करनी है तो 23-0 जुलाई हाईलाइट हो गया। ऐसे मान लीजिए इसमें मुझे 444 हाईलाइट करना है तो यहाँ पे इक्वल टू हाईलाइट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे मुझे मान लीजिए कि कैश को हाईलाइट करना, अच्छा मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल कर दे रहा हूँ, इस कारण से नहीं रह रहा है कलर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ओके कर दिया तो कलर रह जाएगा। तो इक्वल एग्जैक्ट वैल्यू को हाईलाइट करने इक्वल टू होता है, पर कई बार यहाँ पे दिक्कत होती है, जैसे कि मुझे दिल्ली हाईलाइट करना है, अगर इक्वल टू में मैं गया और दिल्ली सेलेक्ट किया तो देखिए दिल्ली हाईलाइट हो गया, न्यू दिल्ली नहीं। अब यहाँ पे मुझे दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों को हाईलाइट करना है, क्या करना है, दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा दिल्ली, दिल्ली और न्यू दिल्ली, देखिए दोनों हाईलाइट हो गया, क्या हुआ, दिल्ली एंड न्यू दिल्ली हाईलाइट हो गया। क्लियर है, अब बारी आती है डेट ऑकरिंग की। जैसे कि डेट की बात रही तो ऐसे मान लीजिए कि यहां पे अगर मैं इक्वल टू में जाके आज का डेट डाला, जैसे आज का डेट हमने यहाँ पे 23-7 कर दिया, जैसे 7/23 कर दिया तो हाईलाइट हो गया, बट ये फिक्स होगा, कल भी यही है डेट हाईलाइटेड होगा, मुझे हाईलाइट करना है सिस्टम डेट से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ आता है टेक्स्ट दैट कंटेन, नहीं सॉरी ए डेट ऑकरिंग, ए डेट ऑकरिंग, यहाँ पे अगर मैंने टुडे सेलेक्ट कर लिया तो आज 23 हाईलाइट है, कल 24 होगा, परसों 25 होगा, 26 होगा, इस तरह से हाईलाइट होगा।
उसी तरह से अगर टुमारो कर दिया तो कल की डेट हाईलाइट होगा। अगर हम यहीं पे मान लीजिए कि इन द लास्ट 7 डेज कर दिया, या फिर लास्ट वीक कर दिया, या नेक्स्ट वीक कर दिया, दिस वीक कर दिया, तो उसी सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग ही हाईलाइट रहेगा, सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग ही हाईलाइट रहेगा। तो ये चेंज होता रहे। जी हाँ, सिस्टम डेट चेंज तो ये भी चेंज। ओके okay? उसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यू, कि अगर मुझे इसमें हमने गए और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डुप्लीकेट, जो नंबर मोर देन वन टाइम आ रहा है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर है, मोबाइल नंबर है, अगर मैंने यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे किया डुप्लीकेट वैल्यू, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो नंबर मोर देन वन टाइम है हाईलाइट हो जाएगा। यूनिक करेंगे तो वन टाइम, डुप्लीकेट कलर वगैरह तो आप यहाँ से चूज कर ही सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा ग्रेटर हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑफरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। कोई दिक्कत इसमें? इसमें आपका आता है मोर रूल्स। क्या आता है? मोर रूल्स। मोर रूल्स में क्या है कि कुछ रूल्स इसमें नहीं है, आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मोर रूल्स में, जैसे कि यहाँ ये ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन, तो बाहर कुछ चीज मिसिंग है जो कि यहाँ पूरा है। बस आपको क्या करना है, जैसे नॉट, मैंने यहाँ बोला कि नॉट इक्वल टू जीरो, और हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल पे गया और कंडीशन दे के अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सेल वैल्यू है, टैक्स में कंटेनिंग था, यहाँ पे बिगेन बीथ एंड बीथ ही सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से एंड होना चाहिए, इससे एंड होना चाहिए। डेट ऑर्डरिंग है, ब्लैंक को हाईलाइट करना चाहते हो या फिर ब्लैंक को नहीं करना चाहते। एरर, जी एरर पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखेंगे कि एरर और कुछ नंबर्स है ना, तो मुझे नंबर्स को छोड़ना है, एरर को नहीं, इसलिए प्रिंट नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में या फिर मोर रूल्स में गया, यहाँ पे फॉर्मेट सेल दिस सेल कंटेंट पे गया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया एरर, एरर के फॉर्मेट सेल पे गए और फॉर्मेट सेल पे आने के बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फॉन्ट के अंदर फॉन्ट कलर व्हाइट, बैकग्राउंड आउट व्हाइट है तो यहाँ पे आपका फोरग्राउंड भी हाइट होगा, क्योंकि कहने मतलब है कि अगर हमने इसकी बैकग्राउंड व्हाइट पे और व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट मार्कर से लिखेंगे कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। सेम थिंग यहाँ हुआ कि एरर होगा जरूर लेकिन दिखेगा क्योंकि तो उसकी कलर व्हाइट हो गई। ठीक है सर, उसी जैसे टॉप नंबर है यहाँ पे, टॉप 10 हाईलाइट करने हैं तो यहाँ पे टॉप 10 में, तो जो हाईएस्ट 10 होंगे या 20 होंगे या 30 होंगे, जो भी यहाँ टाइप करेंगे, जो चेंज करेंगे, या 5 होगा वो आपका हाईलाइट हो जाएगा पोजिशन इसके हिसाब से, कि क्यों नंबर बड़ा है उसे छोटा, उसे छोटा, उसे छोटा। सेम उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक करूँ बॉटम 10, तो सबसे लोएस्ट जो है वो बॉटम 10, बॉटम 5, बॉटम 20 जो टाइप करोगे उस हिसाब से हाईलाइट हो जाएगा। इसके अंदर परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हिसाब से, मतलब कि क्या होगा, ये क्या करेगा कि इसको डिवाइड करेगा सम सम ऑफ इसके टोटल वैल्यू से, तो इसका कंट्रीब्यूशन निकालेगा, परसेंटेज निकालेगा कि पूरे कॉलम में इसका क्या योगदान, और जिसका ज्यादा योगदान होगा उसको हाईलाइट करेगा आपका परसेंटेज, टॉप टॉप 10% एंड बॉटम 10%। अब यहाँ पे सिलेक्टेड सेल का एक एवरेज है जो कि आप देख पा रहे हैं 9 है। अगर कंडीशन वर्टिंग के टॉप बॉटम्स में हमने अबव एवरेज कर दिया तो क्या होगा, एवरेज से ऊपर, मतलब कि 9 से ऊपर सारे हाईलाइट हो जाएंगे। कल के डेट में अगर चेंज होगा, कल के डेट में अगर आपकी वैल्यू चेंज होगी, एवरेज चेंज होगा, जब एवरेज चेंज होगा तो क्या होगा, ये भी हाईलाइट हो जाएगा। सेम आपका यहाँ पे बिलो एवरेज भी आता है, बिलो एवरेज। अब हम डेटा वार के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि एक बार मैं क्या करता हूँ कि पूरे कंडीशंस को यहाँ पे, इसे यहाँ से इसकी कंडीशन हटा देता हूँ,
क्लियर रूल्स कर देता हूँ। क्लियर रूल्स में सिलेक्टेड से इसका कंडीशन वेटिंग हट जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे जानना है कि 20 का पोजीशन क्या है, सबसे हाईएस्ट में है, लोवेस्ट में है या फिर बीच में है। तो क्योंकि इसकी डेटा बहुत बड़ा है, इसमें चार्ट तो नहीं बना सकते ना, बार चार्ट, तो हम क्या करते हैं डेटा बार ले लेते हैं। तो इस तरह से आपका पूजी ये बार में दिखा देगा कि ये है ये है ये है, देखिए हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है, मतलब कि अगर नंबर जैसे बढ़ेगा बार भी अपना साइज बढ़ा देगा। देखिए 1 छोटा है तो छोटा हो गया, 10 बड़ा है तो बड़ा हो। लेकिन बात होती है कि मुझे इस तरह से बार शो करना है अगले सेल में, पर प्रॉब्लम क्या है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग किसी भी सूरत में जहां पे कंडीशन लेगा वहीं पे अप्लाई करेगा, किसी और जगह पे अप्लाई नहीं करेगा। जैसे कि इसमें क्या करेंगे, एक ट्रिक अपनाएंगे, हम इसको लेते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, इसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ पे आते हैं इसमें डेटा बार और यहाँ पे बार भी। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल्स में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहां आपको दिखेगा बार ओनली, क्या दिखेगा बार ओनली। जैसे ओके किए अप्लाई किए, देखिए नंबर हट गया, सिर्फ बार दिखेगा। अब आइकन की बात करें तो अगर आपको सही मायने में समझाना है कि कौन अपर है कौन लोअर है कौन मिडल है, तो इसको सिलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन इस्तेमाल कर दीजिए, क्या कर दीजिए आइकन। ठीक है, यहां भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके आइकन इस्तेमाल, इसे क्या होगा जो अपर होगा लोअर होगा वो यहां दिख जाएगा। अब यहां पे हम कुछ कंडीशन देना चाहते हैं, जैसे कि यहां पे स्कोर आया है और मैंने यहां लगा रखा है कि अगर पास हुआ फेल हुआ तो इस तरह से ये आइकन दिख जाए, रीटेस्ट पास और फेल। तो इसके लिए कैसे किया मैंने, चलिए इसको दोबारा करके दिखाता हूं मैं। क्लियर रूल्स में आ गए, हमने इसको सेलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और चले गए आइकन्स में, ए वाली आइकन लगा ली। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैंने ये नहीं बताया कि ये जो कंडीशन है ये सेम कंडीशन है, ऐसे केस में इसको सेलेक्ट करूंगा और चला जाऊंगा कहाँ पे, मैनेज रूल में, इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ हम जो है नंबर कर देंगे, क्या कर देंगे नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने 60 से ऊपर, और यहाँ पे हमने दिया 40, क्या दिया 40, ओके एंड अप्लाई। अब यहां समझाने के लिए मैंने 3 2 1 लिख दिया और इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और आइकन लगा दिया और मैनेज रूल में जाके सेम डबल क्लिक किया और यहां पे मैंने क्या कर दिया शो आइकन ओनली, ताकि 1 2 3 दिखे ना, हाइट हो जाए। क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें अभिषेक जी। अब सेल लिंक पे आते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर डालू, जैसे मैं यहाँ पे 50 डालता हूँ तो जहां जहां 50 होगा हाईलाइट हो जाएगा, 44 डालता हूँ जहां जहां 44 होगा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, तो इसके लिए हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप एक साथ कई सारे रो एंड कॉलम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आके हमने क्या किया इक्वल टू, और यहाँ पे मैनुअली तो हम जो नंबर टाइप करते ही है ना, यहाँ पे किसी सेल को भी लिंक कर सकते हैं, जैसे यहां देखिए। ठीक है, अब यहां जो भी नंबर डालेंगे, जैसे 28 किया, जहां 28 होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर कुछ और देखें, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है कि अगर अमाउंट जो मेरा प्रॉफिट है, अमाउंट ए रहा प्रॉफिट परसेंटेज ए रहा, अगर प्रॉफिट अमाउंट ग्रेटर देन 500 हुआ तो पूरे रो को हाईलाइट कर। ये कैसे किया, तो सबसे पहले तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, क्लियर रूल्स में एंटायर शीट कर दिया, तो पूरा कंडीशन फॉर्मेटिंग डिलीट कर दिया। अब हम एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे,
ध्यान रखिएगा कि जब कोई कंडीशन नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब भी फॉर्मूला कंडीशन मॉडलिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, हम सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिंगल सेल, यहाँ पे न्यू रूल्स पे आते हैं और सेलेक्ट करते हैं यूज फॉर्मूला। सबसे पहले तो कैलकुलेशन करके मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रैकेट में क्या किया, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज ले लिया, ठीक है। और हमने बोला कि क्या ग्रेटर देन 500 है। अब यहाँ पे देखिए डॉलर साइन लगा है टू के आगे, तो टू फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे तो 3, 4, 5, 6, 7 सबको देखना है, तो टू के आगे का डॉलर हम डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और फिर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, फिल पे आएंगे और कलर को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके, देन ओके, और फॉर्मेट पेंटर से बाकी सब जगह में इस तरह से पेंट कर देंगे। अब ये इसकी जो डेट फॉर्मेटिंग थी इस पे अप्लाई हो गई है, तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेट कर देते हैं, इसको परसेंटेज कर देते हैं। इसी तरह से कई सारे फॉर्मूले इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अकाउंट नंबर में सिर्फ नंबर ही टाइप करे, तो कैसे क्या करूँ इसके लिए, तो आपको पहले पता करना होगा कि नंबर या टेक्स्ट हो या आइडेंटिफाई कैसे करेगा। एक इज टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है, अगर टेक्स्ट हुआ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और आपका जो ए है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो किस पे वर्क करता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, यहाँ पे डालिए फॉर्मूला, फॉर्मेटिंग में जाइए, अपना फॉर्मेटिंग डालिए, देन ओके, फॉर्मेट पेंट लीजिए और नीचे तक पेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे कोई अगर टेक्स्ट डालेगा तो हाईलाइट हो जाएगा, नंबर डालेगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कब हो, जब मल्टीपल कंडीशन हो तब क्या करें। जैसे कि आप यहाँ मुझे सैटरडे एंड संडे को हाईलाइट करना है, तो यहाँ हम दो चीजें कर सकते हैं। ये हम दो बार फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे सैटरडे को हाईलाइट कर दें और यहाँ, तो यहाँ पे एक चीज आपने जाना कि हम मोर देन वन टाइम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेम लोकेशन पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हो तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए और के अंदर में या एंड के अंदर में डालेंगे। एंड के अंदर वहां डालेंगे जो रिक्वायर्ड हो, और के अंदर में कब डालेंगे, जो ऑप्शनल हो, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे या संडे कोई एक ही हो सकता है ना। इसको सिलेक्ट किया और हमने टू के आए का जो डॉलर है वो डिलीट किया, और हमने बोला कि ए दैट इज ग्रेटर देन इक्वल, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना कि सैटरडे। फिर कॉमा, हमने वापस इसको सिलेक्ट किया, टू के आए का डॉलर हटाया और यहाँ पे हमने लिखा कि इक्वल टू संडे, और फॉर्मेट सेल में गए और यहाँ पे हमने कलर अप्लाई कर दिया, देन ओके एंड देन फॉर्मेट पेंटर से हमने पेंट किया, ठीक है। तो आगे जो फॉर्मेटिंग सीखेंगे तो इसमें और आगे की चीजें बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसकी आप जो है प्रैक्टिस करें। फाइल भेज रहा हूँ और आ साथ रिकॉर्डिंग भी, इसकी प्रैक्टिस।